प्रदेश में इन दिनों गर्मी से हर कोई बेहाल है, लेकिन इससे पहले चली तेज आंधी और बारिश ने भी किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मामला करौली का है, जहां तेज आंधी और बारिश के चलते किसानों की आम की फसल 50% तक चौपट हो गई, जिसके बाद अब कृषि विभाग ने नुकसान हुए फसल का सर्वे शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा कि बेमौसम बारिश और आंधी ने पेड़ पर ही आम काले होकर झड़ने लगे और लाखों का नुकसान हो गया। के बाद में शुरू हो जाता है मार्केट में आना, अचार बनना चालू हो जाता है। टोडा इम का प्रसिद्ध अचार है, टोडा इम की कैरियों का फेमस अचार है, जो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता तक जाता है। आमों की फसल बहुत अच्छी होती थी और यहाँ से आम का अचार बन बन के बड़े बड़े दूर मशहूर है, और अभी गर्मी पड़ने से आंधी आने से और खराब हो गया।